नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। 4 जून को क्या होगा आज तय हो गया। पीएम मोदी और शाह का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि देश तय कर चुका है कि फिर से मोदी ही आने वाला है। देश भर में चल रही मोदी की लहर भी इस बात को प्रमाणित कर रही है, ये दावा बीजेपी का है। लेकिन इससे इतर मोदी ने नामांकन के बाद जितने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, सब में पीएम ने यही कहा कि वे ही पीएम बनने जा रहे हैं और G7 की मीटिंग का न्योता उन्हें मिल चुका है और वे शपथ ग्रहण के बाद वहां शामिल होने के लिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मोदी और शाह इतने आश्वस्त कैसे, जबकि विपक्ष भी देश में अपनी लहर बता रहा है और राहुल कह रहे हैं कि मोदी की विदाई हो रही है। तो इसके लिए बीजेपी की रणनीति और राजनीति को समझना पड़ेगा। विपक्ष सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर माहौल बनाने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी जमीन पर जमकर मेहनत कर रही है। मोदी हो, शाह हो या नड्डा, रोज दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, देश भर के दौरे कर रहे हैं और गठबंधन के साथ उनका तालमेल ऐसा है कि एक मंच पर सब के सब खड़े हैं। जबकि विपक्ष की हालत यह है कि एक राज्य में वे गठबंधन में हैं और दूसरे राज्य में आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता को पीएम ने आज बनारस से ऐसा संदेश दिया कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो देश को एक रख सकती है और मजबूत सरकार दे सकती है। पीएम मोदी के नामांकन के बाद आज बनारस में बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल थे सब मौजूद दिखे। दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक के जितने भी सहयोगी दल हैं पीएम को बधाई देने पहुंचे और उनके साथ बनारस में बैठक की। पीएम मोदी को इस दौरान शिवाजी महाराज का मुकुट भी पहनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मुकुट के भी मायने हैं। हालांकि ये मुकुट एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल ने मोदी जी को पहनाया, लेकिन यह संदेश है कि मोदी ही वो शख्स हैं जो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत को एक रखकर उस पर विजय हासिल कर सकते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी ने की। पीएम मोदी का सभी सहयोगी दलों ने स्वागत किया, मोदी ने भी सबका आभार जताया। इस तस्वीर से देश में संदेश गया कि बीजेपी सहयोगियों के साथ एकजुट है, जबकि कांग्रेस और इनडी गठबंधन की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। मोदी ने इस तस्वीर को दिखाकर देश को बता दिया है कि बीजेपी ही सबको एक रख सकती है, इसलिए बीजेपी को ही वोट करना है। चुनाव आधा खत्म हुआ है, लेकिन अभी आधी लड़ाई बाकी है और बीजेपी ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।